दोस्तों, अक्सर हम और आप फिल्मी दुनिया के उन कलाकारों की बात करते हैं जो मुख्य रूप से फिल्मों में लीड रोल निभाते नजर आते हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं रखते जो फिल्मों में साइड रोल के तौर पर काम करते हैं। उन्हें अक्सर हम लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो उनके उस सहायक अभिनय से ही एक फिल्म देखने में अच्छी लगती है और लोग उसे पसंद करते हैं। तो आज हम उनमें से एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अपने छोटे छोटे अभिनय और हास्य अभिनय से फिल्मों में जान फूंकी है। 90 के दशक में एक ऐसे ही कलाकार अपनी किस्मत आजमाने फिल्म जगत में आया, लेकिन वो एक साइड एक्टर बनकर रह गया। हम बात कर रहे हैं हास्य अभिनेता मनोज जोशी जी की। वही मनोज जोशी जिसने देवदास और हेराफेरी जैसी फिल्मों में अपने अहम योगदान उन्होंने दिया है और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। वो दर्शकों में ज्यादातर देवदास और हेराफेरी जैसी फिल्मों में एक्टिंग करने की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह उन्होंने एक मराठी थिएटर एक्टर से फिल्मों की दुनिया में अपने अभिनय की धाक जमाई। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 14 दिसंबर 1965 को गुजरात के अदोपोद्रा में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई वहीं के एक लोकल स्कूल से पूरी की। ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, यहाँ तक कि 8वीं और 9वीं क्लास में वो फेल भी हो गए थे। उनकी दिलचस्पी फिल्मों की तरफ थी, इसलिए बाद में उन्होंने सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से बीए किया। पढ़ाई करने के बाद वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन कोई बैकग्राउंड सपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें फिल्मों में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मराठी थिएटर से किया। उन्होंने फिल्मों में आने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मंच अभिनय को लोग पसंद करने लगे और यहीं से उनकी फिल्मों में एंट्री शुरू हो गई। बतौर अभिनेता उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म से की जो साल 1992 में आई थी। उस फिल्म का शीर्षक था हुंचीलाल। उसके बाद उन्हें एक लंबे समय तक दोबारा फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस दौरान वो टेलीविजन धारावाहिकों में काम करने लगे थे। उसके बाद उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म में एक सहायक अभिनेता के तौर पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने उस मौके को हाथों हाथ लपका। बतौर सहायक अभिनेता वो उनके फिल्मी करियर की दूसरी और बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जो साल 1999 में आई थी। उस फिल्म का नाम था सरफरोश। उस फिल्म में मनोज जोशी ने एक सब इंस्पेक्टर बच्चू का किरदार निभाया था। उस छोटे से रोल से उन्हें ज्यादा लोकप्रियता तो नहीं मिली, लेकिन वो बाकी निर्देशकों की नजर में आ गए और दर्शकों की नजर में भी आ गए। उसके बाद उन्हें एक और बॉलीवुड फिल्म में सहायक अभिनेता के तौर पर एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। वो फिल्म साल 2000 में आई थी और उस फिल्म का नाम आगाज था। उसमें उन्होंने जॉनी के छोटे भाई डैनी मेंडोजा के रूप में अभिनय किया है। वो फिल्म उनके करियर की तीसरी और हिंदी की दूसरी फिल्म थी। उसके बाद साल 2001 में उन्होंने बैक टू बैक दो फिल्मों में सहायक एक्टर की भूमिका निभाई। पहले फिल्म जाने मन में वो बैलजी भाई की भूमिका निभाते नजर आए और दूसरी फिल्म चांदनी बार में चंद्रकांत भाऊ की भूमिका में नजर आए। मनोज जी ने अपने जीवन के लगभग सभी फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर ही काम किया है। उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे साल 2002 में आई फिल्म अब के बरस और देवदास, साल 2003 में आई फिल्म हंगामा और साल 2004 में आई फिल्म धूम और हलचल, साल 2005 में आई फिल्म गरम मसाला और साल 2006 में आई फिल्म भागम भाग फिर हेरा फेरी, साल 2007 में गुरु और भूल भुलैया, साल 2009 में दे दना धन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है और बतौर सहायक अभिनेता के रूप में काम किया है, जैसे पक्त लाद महना, गोला बेरिज, नरबाजी वाड़ी, तस्क्रिया। मनोज जोशी ने बेयार, थाई जशे, पप्पा तमने नहीं समझता, तंबूरो, हेरा फेरी, चासनी जैसी कई अन्य गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया है और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया है। उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। साल 1991 में प्रसारित टीवी सीरियल चाणक्य में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उस टीवी सीरियल में उन्होंने श्रीयाक सत्कार के पुत्र की भूमिका निभाई थी। साल 1998 में वो नाम के टीवी सीरियल में उन्होंने अमित की भूमिका निभाई थी। साल 2002 में आया टीवी सीरियल कहता है दिल में वो मेयर भंडारी की भूमिका निभाते नजर आए। साल 2015 में फेमस टीवी सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में वो चाणक्य के किरदार में नजर आए। उसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया था। और साल 2020 में ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में उन्होंने एडवोकेट शक्तिमान झावेरी का किरदार निभाया।
उसी प्रकार उन्होंने मराठी टीवी धारावाहिकों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, मनोज जी ने कुल 70 से अधिक फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता का काम किया है। उन्हें बॉलीवुड फिल्मों जैसे हुकूमत, धूम, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, चुपके चुपके, भूल भुलैया और बिल्लू बारबर में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली है। साल 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अभिनय करियर में करीब 1039 बार चाणक्य की भूमिका निभाई है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने सत्यदेव दुबे, विजय मेहता और शफी ईमानदार जैसे प्रसिद्ध कलाकारों से रंगमंच की बारीकियां सीखी हैं। आपको बता दें कि शफी ईमानदार ने ही मनोज जोशी को चाणक्य नामक नाटक को हिंदी में मंचित करने के लिए कहा था। मनोज जोशी एक विधि विधवक लेखक भी हैं। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने कर्म नामक एक मराठी नाटक भी लिखा था। साल 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरकंठा रत्न से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि मनोज जोशी ने जन्मभूमि और जेंटलमैन जैसे विभिन्न पत्रों में काम भी किया है और उनका सबसे लंबा कार्यकाल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। दोस्तों, अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो विवाहित हैं। उनकी पत्नी का नाम चारू जोशी है। इनके दो बेटे हैं जिनका नाम धर्मज और रुद्रा जोशी है और उनके भाई का नाम राजेश जोशी है। साल 1998 में राजेश जोशी की मृत्यु हो गई थी। राजेश मनोज जोशी के छोटे भाई थे। उन्होंने भी एक सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्मों में काम किया था। मनोज जोशी की पहली फिल्म में उनके भाई ने बाला ठाकुर की भूमिका निभाई थी। उनके पिता का नाम नवनीत जोशी है। मराठी नाट्य म्यूजिक की एक रिपोर्ट में लिखा है कि उनके पिता नवनीत जोशी नारदीय आवाज के प्रसिद्ध कीर्तनकार थे और मराठी और गुजराती भाषा के कीर्तनों में भाग लेते थे। उनकी माता का जिक्र कभी नहीं हुआ है। मनोज जोशी को उनके दमदार सहायक अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साल 2003 में कहता है दिल टीवी सीरियल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। साल 2016 में टीवी सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में नकारात्मक भूमिका का सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए इंडियन टेली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 2017 में 10 क्रिया में सहायक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ITA अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साल 2018 में भारत सरकार द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक सहायक अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता है। उनको कभी भी बॉलीवुड फिल्मों में मुख्य किरदार करने का मौका नहीं मिला, मुख्य भूमिका ना सही, लेकिन मनोज जोशी ने अपने हास्य अभिनय का लोहा मनवाया है। अक्सर लोग ऐसे कलाकारों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उनके बगैर फिल्में लगभग अधूरी रहती हैं। 56 साल के मनोज को उनके चाहने वाले आज भी उनको पसंद करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भी अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।